मैं यहाँ पे बैग चला जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं रीपेमेंट नहीं करूँगा रीपेमेंट से पहले मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करने जा रहा हूँ वीडियो को भी क्लियर कर दू डॉक्यूमेंट्स आपके रहने चाहिए तो बैंक अकाउंट भी आप ही के होना चाहिए मेरे नाम का बैंक अकाउंट है जो कि एक कोटेक महिंद्रा बैंक है महेको के सामने मैं यहाँ पे अपना पिन को डाला जो कि अप्लीकेशन को जब डाउनलोडिंग करेंगे उसी टाइम जो है आपको ये सभी चीज जनरेट करने के लिए कहता है और आप देख लीजिए यहाँ पे सौ रुपये जो ट्रांसफर है वो प्रोग्रेस है और अभी इंस्टेंटली विद इन मिनट भी नहीं जाएगा ये और यहाँ पे डन हो जाएगा और देखिए थ्री दोस्तों मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे कुछ लिमिट है जो कि यहाँ से मैं इजी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और यहाँ कॉर्नर पे देख लीजिए कह रहा है कि भाई इसको जो है आप रीपेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है बैंक का जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा है इस वीडियो में आपको मैं लाइव प्रूफ स्क्रीन पर दिखाता हूँ ट्रांसफ़र करके अपने बैंक के अकाउंट में मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए किसी तरह से कोई भी इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है और सबसे बेस्ट बात यह है कि सिविल स्कोर भी नहीं चाहिए और यहाँ पे 18 साल अगर आपका एज है तो 18 साल प्लस एज में जो है आप यहाँ से ईजी अप्लाई कर सकते हैं अभी तक मैंने जो लोन लिया था एक डेमो के तो तौर पर मैंने दूसरे चैनल पर चेक कराया था मतलब टेस्ट के लिए उसका जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर तेरह अक्टूबर है और मैं आपको बता दूं कि ये जो चल रहा है अभी ये चल रहा है सितंबर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आएगा वो अक्टूबर अक्टूबर के तेरह तारीख को ये जो है रीपेमेंट करना है एक बात हमेशा ध्यान से रखिएगा कि कभी भी किसी भी अप्लीकेशन से कोई भी चाहे वो एन है या नहीं है कभी भी आप लोन के ओवर ड्यू ना जाने दें अदरवाइज सिबिल स्कोर हो तो भी नहीं है तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को आप तो चेंज कर नहीं सकते तो उसके ऊपर जो है गलत इफेक्ट जो है पड़ता है अगर सिबिल स्कोर भी अगर जनरेट होगा तो आपकी गलती होने वाला है कहने का मतलब कि आपकी जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो पास्ट का ख़राब होते चला जाएगा सही है फ्यूचर में भी कुछ भी बेस्ट होने वाला नहीं है कहीं पे भी लोन लेने के लिए जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन ये एक अच्छी बात है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों लिखता है कि भाई पंद्रह से लेकर के थर्टी तक क्यों लिखता है मतलब पंद्रह से उन्तालीस परसेंट इसलिए कि या तो हिस्ट्री नहीं है तो इसमें कैलकुलेट करेगा या गलत हिस्ट्री है तो सीधे आपको ऊपर में थर्टी नाइन परसेंट में चला जाएगा तो हमेशा जो है आप ओवरड्यू को बरकरार रहिए मतलब मेंटेन कीजिए ताकि वो ओवरड्यू जाए ना ही और बिफोर पेमेंट कीजिए इस वीडियो में बैंक अकाउंट में लाइव ट्रांसफर करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे आप देखेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए मैं कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन है यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं पहले ही दिखा दूँ कि यहाँ पे अभी तक कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं आया है और ऑल नोटिफिकेशन को भी टच कीजिएगा ताकि इस चैनल के आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए और आप जो है अपनी नीट के हिसाब से वीडियो को देख सकें अभी एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है अभी तक आज की डेट में आज की डेट है ही नहीं यहाँ पर हालाँकि देख लीजिए आज के डेट यहाँ पर है ही नहीं तो मतलब क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आज के डेट में क्या होने वाला है सही है देखिए यहाँ दस रुपये के बाद कुछ आया नहीं है अभी एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर बैग चला जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं रीपेमेंट नहीं करूँगा रीपेमेंट से पहले मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करने जा रहा हूँ वीडियो को अगर शेयर करते हैं ना तो दूसरे लोगों को हेल्प होगा और एक बात और भी क्लियर कर दूँ डॉक्यूमेंट्स आपके रहने चाहिए तो बैंक अकाउंट भी आप ही के होना चाहिए मेरे नाम का बैंक अकाउंट है जो कि एक कोटक महिंद्रा बैंक है मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ चाहे तो मैं यहाँ पर न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर पुराना वाला ही रहने देंगे तो यहीं पर टच करेंगे टच करने के बाद में सीधे आ रहा है कि भाई आप जो है यहाँ पे जो अवेलेबल जो बैलेंस है जो लिमिट है वो आप चौदह हज़ार तीन सौ बावन रुपये को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे हंड्रेड रुपीस यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ आप देखिए यहाँ पे हंड्रेड रुपीज़ का डेमो है एन बी एफ से रजिस्टर्ड है यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप देख लीजिए चलिए मैं पे नाव पर क्लिक करता हूँ ओके ध्यान से देखिएगा समझने वाली बात है यहाँ पर जो भी है आँखों के सामने मैं यहाँ पर अपना पिन को डाला जो कि अप्लीकेशन को जब डाउनलोडिंग करेंगे उसी टाइम जो है आपको ये सभी चीज जनरेट करने के लिए कहता है और आप देख लीजिए पे 100 के जो है, वो प्रोग्रेस है। और अभी मतलब ये ट्रांसफर चला गया है सही है अब चलिए मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर लेता हूँ उससे पहले एक बार मैं कोटक महिंद्रा बैंक को फिर से मैं बैक चला जाता हूँ अभी आप यहाँ पे देखेंगे सौ रुपये जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया आप देख रहे हैं यहाँ पे सौ रुपये जो है वो आ गया है तो कितना समय लगा है मुश्किल से ये जो सौ रुपये जो ट्रांसफर किया हूँ जो मुश्किल से मेरे बैंक अकाउंट में जाने के लिए एक बार मैं फिर से दिखा दूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर लें देखिए एक सौ रुपये जो आया यहाँ पे मुश्किल से ये आने के लिए एक मिनट भी नहीं लगा ये सौ रुपये को ट्रांसफ़र करने के लिए जो डेमो मैंने ट्रांसफ़र किया आपने देखा कि एक मिनट भी नहीं लगा से चलिए मैं होम बटन पर क्लिक करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ये अप्लीकेशन है ईज़िली आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर सकते हैं अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने सौ रुपये ट्रांसफ़र किया ये पहले बैलेंस ये था और अभी इतना हो गया अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सभी चीज़ बता देगा पहले जो था मैंने दस रुपये ट्रांसफ़र किया था वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दूसरा जो है मैंने सौ रुपये ट्रांसफ़र किया वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो मतलब तो कितना समय लगा ये जाने के लिए बैंक अकाउंट में अप्लीकेशन की नाम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे ये एक रिंग अपलिकेशन है जो कि इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे वन करोड़ प्लस इसका डाउनलोडिंग है और रेटिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए 4.2 की रेटिंग है ये एप्लीकेशन से आप इजी जो है आप लोन ले सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैगजिमम अप टू क्रेडिट लाइन है देखिए यहाँ पे सब अलग अलग है यहाँ पे देखिए बड़ा अमाउंट भी मिल सकता है मैं ना के बराबर यूज़ करता हूँ टेन थाउजेंड का एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रहता है क्या नहीं जो भी कुछ है पावर लोन भी यहाँ दिखा रहा है अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे जब रीपेमेंट करेंगे उसी टाइम इंस्टेंट पावर लोन बोल करके आएगा जो कुछ दिन तक रहता है अगर आप उसे नहीं लिए तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा जो मेरा मुझे मिला था और ये हट गया था यहाँ पे 21 साल एज अब लिखा है लेकिन 18 ईयर प्लस चलेगा पेन कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन पेन कार्ड नहीं पेन कार्ड प्लस यहाँ पे आपको आधार भी चाहिए होगा तो वो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं है पेन प्लस आपको आधार चाहिए राइट ना आई होप गाइस इस वीडियो में जो भी बोला है आपको समझ में आया होगा अगर यहाँ से अगर आपको नहीं मिला किसी कारण तो कमेंट सेक्शन में लाइव प्रूफ वीडियो बैंक अकाउंट का पूरा रिव्यू डिटेल्स में बताया है वो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया है वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लीजिएगा आज के दिन ही पैसा आपके बैंक के अकाउंट में जाएगा यहाँ से नहीं मिला तो किसी और से मिले डाउनलोडिंग फोर प्लस रेटिंग के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन है बस साल के वीडियो में इतना है मिलते हैं तेज इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग